Hey guys, Assalamualaikum. This is me, Muzaffar Khan, and welcome back to my YouTube channel. आज का सीन कुछ ऐसा है, आज है जुम्मा और हम जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। जुम्मे का तो कुछ भी सीन बन जाता है, तो मैंने सोचा आज का एक छोटा सा व्लॉग भी बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंसी मेरी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर। और मेरा पहला पेपर कल था और अभी दूसरा पेपर है, मतलब अभी पेपर चलने वाले मेरे तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा पढ़ाई की वजह से। सेकेंड ईयर है, हो जाएंगे सब कम जल्दी से, और फिर मिलते हैं। तो अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ यार देखो, उसके ले लेते हैं, किसी की ले लेंगे। तो नो बाइक नो गाड़ी, बाइक दो, अपनी बाइक दे दो। ये उमेर भाई की बाइक है ना, उनसे चलती है ना हमसे। हमारे तो तेरा तो कुर्ता ही गंदा हो जाएगा इस पे। चला ना, अभी चला, मैं साफ करूंगा, मैं साफ करूंगा। टंकी पे थोड़ी बैठना है तूने। लगते ना वहाँ पे आगे पीछे के बैठ, पीछे के बैठ जा। चलो बाइक, अभी गली अभी तक इन लोगों ने सही नहीं करी है, इस पे भी ताला लगाया हुआ इसने। कौन लेके जाएगा मैं तेरी बाइक, तुम्हारी बाइक कौन लेके जाएगा ऐसे ताले लगाए मैं। तो भाई इसको सिर्फ घर से लेके निकले ही थे, पंचर हो गए। सच्चा तो पैदल ही आ जाते बाइक बेचारे के लेके। और तो क्या है क्यों? आज अब छोड़ दे, पंचर वाले को दे दो। हाँ तो भाई इसका पंचर बन रहा है, तब तक हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के फिर हमें कोई प्लान बना रहे हैं अभी, तो आगे का सीन तभी देखेंगे क्या है। भाई ये है मस्जिद, और यहाँ पे कराची का सबसे आखिरी जुम्मा होता है। आप यहाँ पे रश वहाँ तक जा रही है गाड़ियाँ, क्या कहते हो? बस अब देखो कब तक आते, तुम तो भी सो के उठ के आए हो ना 1:30 बजे वाली में। हो गया झूठ बोल रहा है। तो भाई अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, यहाँ पे रश इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 4 पूरे चार बज रहे हैं। 4 बजे भी मौलवी साहब बोल रहे हैं अभी मैं सो के उठाऊँ, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। गर्मी बहुत है। हमने सोचा तब तक यहाँ खड़े में, मौलवी साहब ने भी खुतबा भी बयान नहीं स्टार्ट किया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँ, और तब तक हमने सोचा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है। मैं नहीं पी रहा, लेकिन ये लोग पी रहे हैं। तो भाई ये रश देखें यहाँ पे, अभी से इतना ज़्यादा हो गया है, ये बेचारा अभी तक परेशान खड़ा हुआ है। क्यों पा रहे गए, क्यों पा रहे गए? 2 किलो निकले हैं, मैं क्या किलो में चला रहा था क्या भाई? डलवा दी क्या किसी ने, जान के डाली थी। कोई जान के क्यों डालेगा भाई, ये बोल जब मैं जो बोल रहा है। डलवा ली नहीं डल गया। मानव खड़ा था उसको ऐसी। तो भाई अभी मैं घर आया हूँ नमाज पढ़ के, और हाय अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। मैं तो ठीक हूँ। हाँ पढ़ाई में मम्मा, वो देखें पीछे सबूत रखा हुआ है हमारा, सारी किताबें कॉपियाँ बैग, नहीं नहीं हमारा है, सब हमारा है, तू भी साथ ही पढ़ता है हमारे। पेपर्स के लिए मम्मा, पेपर एक बंदा दिखाता हूँ आपको, वो सिर्फ पढ़ रहा है हमारे घर में, भाग रही है। मम्मा मैम बात तो सुनो, एक मिनट ये वो शख्स है जो पूरा दिन किताब लेके बस यूं घूमते रहेगी। सैम दे रहा भी कितना रूम है दिखाओ एक सेकंड। अरे मामू
मामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ऊपर से पिंजरे से बाहर आ गया। इधर आओ पढ़ाकू बच्ची। अच्छा बताना कितना पढ़ा है? मैंने माशाल्लाह कॉपी की हालत तो बिल्कुल अपनी ऐसी की हुई तुमने। खटारा कितना याद किया वैसे बताना। इस सिर्फ इस वायद लड़की की वजह से पूरे खानदान हम लोगों को ताने पड़ते हैं क्योंकि मैम पढ़ती रहती है, वो ये करती है और उसको देख पढ़ी नहीं रही है। राइट एवर करके पढ़ती है। और यहाँ पे मम्मा और मुआज की मीटिंग चल रही है। क्या मीटिंग चल रही है आपकी? मेरा काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई अभी आया मुआज और हम लोग कहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ फ़ोन लेने जा रहे हैं हम किसी का, एक का, और उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है क्योंकि सुबह से हम उठे ही 3 बजे और तो बस अभी निकल रहे हैं। और उसके बाद हमारा सीन क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। कहाँ का बीच? नहीं पढ़ भाई, सुबह तो हम लोग ने कुछ किया नहीं था, हम चले गए थे मोबाइल वगैरह लेके आए और उसके बाद रात के कोई 2 बज रहे हैं और हम यहाँ पे आए खाना खाने के लिए अपने दोस्त के साथ। और ये है मेरे दोस्त दानियाल जो कि इस्लामाबाद से आए हुए हमारे पास। खाना खिलाने लाए हाईवे खाना खिलाने प्लान कर रहे हैं और आज फाइनली हम इनको लेकर आ गए क्योंकि वरना ये बिना खाए जाते तो ये आज कल मुझसे मिलता नहीं है उससे। से हाय दानियाल, क्या हाल है भाई? ये आ गया हमारा खाना। ओहो मटन कढ़ाई और ये यहाँ की स्पेशल क्या है? बलोची टिक्का। खाना मजे का इसका उदय। ये खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और अब बस निकल रहे हैं हम लोग। बेचारे की शक्ल देखें हम, सुबह से मैं अपने साथ घुमा रहा था इसको, घर गया अम्मा से सिर्फ 4 गालियाँ सुनी इसने और वापस आ गया। अब घर जाके क्या होगा? अच्छा बहाना क्या करके आया? बहाना करके क्या है? बहाना क्या भाई, दोस्त है वो लौट तो उसका। और वो हज वाला बहाना क्या था? आंटी देख रही है, आंटी देख रही है। हज वाला तो बहाना था ना, एक बंदे को इसने हज पे भेज दिया और ये मेरे साथ बीच पे घूम रहा था। आंटी देख लेंगे आपका बेटा ना झूठ बोल रहा था आपसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हज पे जा रहा था। उमर कौन था? उमर चांडियो झूठ बोलने वाले पे। अनिल भाई खाना कैसा था? ऐसे ना वीडियोस बनाओ जिससे पेट निकला हो। खाना कैसा था वैसे? मस्त। अच्छा ये देसी खाना है, सिर्फ मेरे साथ खाता है, बाकी ये थोड़े से ना ये ना। नहीं हम भी देसी यार, ऐसी बात नहीं। हाँ वैसे देसी तो दोस्त देसी होने चाहिए ना, जो बात है और हम हैं भाई। ठीक है और बस खाना अच्छा लगा? बेहतरीन यार, क्योंकि रात के इस टाइम पे 5 बजे यही खुला हुआ था गौसिया और अब बस हम जा रहे हैं घर। अभी घर अम्मा देखेंगे व्लॉग, अम्मा से बड़ा सुनूंगा क्योंकि मैंने अम्मा को कहा था मैं कोने पे जा रहा हूँ बस, अब मैं गौसिया आ गया हूँ हाईवे के वो कोने पे। उस्मानिया तो गुस्से में बैठा हुआ भाई, क्या हो गया? दरवाजा खोला, दरवाजा बंद कर दिया यार। कल रात में आया था और फिर सो गया था और अब अगले दिन की रात हो रही है क्योंकि आजकल मेरी रूटीन बहुत खराब चल रही है कि मैं इधर 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 उधर पढ़ने की वजह से सारी रूटीन आगे पीछे हुई है। तो अभी बज रहे रात के 2, अगली रात के, लेकिन वो दूसरी रात थी जब दोस्त के साथ था मैं। तो अभी हमने घर में कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए मम्मा के लिए, तो वो लेके आते हैं उसके बाद देखते हैं। ऑर्डर मैंने पिक कर लिया है, पकड़ा भी था और बस ऊपर जाते हैं मम्मा को तो मम्मा के साथ खाना है। अरे हाय मिट्टू, गुड मॉर्निंग। सो रही है। ऑर्डर मैंने खाना भी लेके जा रहा था बहू की तरह। गिर जाएगा मेरे हाथ से पकड़े। मेरी तरफ से ऑब्वियसली, और कौन देगा, और कौन देगा? आपकी तरफ से तो कोई मसला नहीं, आपने मेरे पैसे दिए, मैं अपने पूरे के पूरे बराबर कर देता हूँ। मेरे पैसे अम्मा के पास हैं और मुझे कुछ भी चाहिए होता है अम्मा से 1000 रुपये लेता हूँ। अगर आपकी तरफ से तो मसला नहीं है, मैं आपसे पूरे ले लूँगा फिर। और हर बार कौन देते? मैं कहाँ बाहर जाने, तो बाहर का तो मसला है ना, थोड़ा सा अम्मा खुद देती हैं, कहती है मैं दूंगी। जल्दी से खोले ऐसा कैसा दिया मैं वॉशरूम में शायद। ये मम्मा के लिए ब्रोस्ट और ये बर्गर। बर्गर कम क्यों हो जाता? 3 बर्गर मंगवाए थे ना, बोले थे। हाँ तो ये 2 हैं। दो हैं पक्की बात है।
भाई एक बर्गर हमें कम भेज दिया उन्होंने, तो दोबारा कॉल करते हैं। कॉल करो। कंप्लेन हमने कर दी है और बर्गर थोड़ी सी देर में आ जाएगा, तब तक हम ये खा लेते हैं। ये कहाँ छुप गए? मैं तुम्हारा बर्गर मैं खा लूंगा, बता रहा हूँ। इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ये तो अमल भी नहीं छुपती यहाँ पे मम्मा, इसको तो देखे कहाँ छुपी हुई है। चलो उठ। हाँ अबे भाई आ जाओ, क्यों इतना शर्मा रही हो? अभी नहीं आ रही। तो भाई ये नहीं आ रही तो हमें इसके बिना, खैर कोई मसला नहीं, नहीं आ रही तो नहीं आए, आ जाओ यार। फिर भी आ जाओ यार। तो चलो यार अब हम गाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ठंडा हो गया। आज का व्लॉग होते हैं मेरे यहाँ ख़त्म। अगर मेरा व्लॉग पसंद है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग होता है मेरा यहाँ ख़त्म, और तब तक आप भी अपना ख्याल रखें।